हेलो फ्रेंड, मैं हूँ जीवन और आप देख रहे हैं हमारे और आपका चैनल जो कि जीवन प्लस। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो कुछ और ही है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया ने मिलकर एक नया फैसला लिया है, जो कि फ्रेंड अगर आप 28 नवंबर के पहले, यानी फ्रेंड आज आज 12 बजने से पहले अगर आप 35 रुपीज़ का रिचार्ज नहीं करवाया तो आपका जो आउटगोइंग सर्विस है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, और उसके ठीक 15 दिन के बाद फ्रेंड आपका जो इनकमिंग सर्विस है वो भी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसको ये जो सर्विस है आउटगोइंग और इनकमिंग, इसको बरकरार रखने के लिए आपको 35 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जिसका वैलिडिटी 28 डेज है। तो फ्रेंड, यही आज का वीडियो कि कैसे आप बिना कोई रिचार्ज करवा के आपका जो सर्विस है उसको कैसे एक्सटेंड कर सकोगे। तो फ्रेंड, इसको समझने के लिए आपको वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। प्लीज़ 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 वीडियो को थोड़ी भी स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप बिना कोई रिचार्ज करवा के आपका जो सर्विस है वो कैसे एक्सटेंड करवाओगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो में बताया कि आप बिना कोई भी रिचार्ज करवा के आप कैसे आपका सर्विस जो है वो कैसे आप एक्सटेंड कर सकोगे। तो फ्रेंड, इसके कोई इस पर कोई ट्रिक का तो कोई बात नहीं है फ्रेंड। मैं आज सुबह जब चेक कर रहा था मेरा जो वैलिडिटी है, मेरा बैलेंस जब मैं चेक कर रहा था मेरा एयरटेल सिम पे, तो उस पर बताया गया था कि मेरा जो सर्विस है आउटगोइंग सर्विस है वो 6 दिसंबर का है। फ्रेंड, मैं इसके प्रूफ मेरा जो इसके वीडियो पे स्क्रीन पर मेरा स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए इसका प्रूफ है। तो मेरा मुझे बताया गया कि मेरा जो आउटगोइंग का सर्विस है वो 6 दिसंबर के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा मेरा आउटगोइंग सर्विस। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा जो एयरटेल सिम है उसको मैं पोर्ट करवा लूँ किसी दूसरे प्रोवाइडर पर। तो मैं सोच रहा था कि जियो पे स्विच करूँ या किसी और सर्विस प्रोवाइडर पर। इसके लिए मैंने मेरा जो सिम है उस पर मैं UPC कोड मंगाया, जिसको आपको तो जानते हो कि पोर्ट लिखकर उसके बाद स्पेस देकर आपका नंबर डाल के 1900 पर भेजना पड़ता है। तो उसके ठीक 1-2 मिनट के अंदर आपके पास UPC कोड आ जाता है। तो उस कोड को लेकर आप कोई भी नज़दीकी रिटेलर पे जा सकते हो KYC लेकर, तो आपको नया एक सिम कार्ड दिया जाता है जिस पे आपको 2-3 दिन के अंदर आपका नया सिम कार्ड चालू हो जाता है पुराने नंबर पे। तो फ्रेंड, यही था कुछ फंडा फ्रेंड कि मैं जब कोड भेजा तो फ्रेंड उसके बाद मैं दोबारा जब मैं वैलिडिटी चेक कर रहा था फ्रेंड, तो आप देख सकते हो मेरा वो भी मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ इस वीडियो पे, आप देख सकते हो मेरा जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो फ्रेंड, आप खुद ही सोचिए मैं इस एयरटेल और आइडिया वालों को क्या बोलूँ। तो फ्रेंड, पहले ये बता रहा था कि आपको 35 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ेगा आउटगोइंग और इनकमिंग सर्विस बरकरार रखने के लिए। जब मैं इसको छोड़ रहा था तो इसने बताया, रुकिए रुकिए सर, मैं आपका वैलिडिटी एक्सटेंड कर देता हूँ। तो फ्रेंड, आप खुद ही सोचिए इसको क्या बोलना चाहते हैं। इस आइडिया और एयरटेल वालों को पूरा का पूरा मायाजाल बिछा कर रखा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को प्लीज़ 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 बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना भी सिम कार्ड है, आपका रिलेटिव का जितना भी सिम कार्ड है वो इसी ट्रिक से आपका जो सिम कार्ड है उसको एक्सटेंड कर दीजिए। क्योंकि आप अगर आपके पास पास सिम कार्ड है तो आप पास पे तो 35 रुपीज़ का रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इसके लिए इस ट्रिक को अपनाइए और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।